press the bell icon for all the updates. Thank you very much. ऑब्वियसली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि विक्रम जी ने वापस मुझे किसी चीज़ में रिपीट किया है, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको वापस रिपीट करता है, इसका मतलब है कि वो आपके काम को लेकर बहुत खुश है, आपको लेकर खुश है. तो एक चीज़ तो अच्छी बात है कि एक कहते हैं ना वो कैंप सिस्टम, तो मेरा धीरे धीरे करके इस कैंप में एंट्री हो गई है, और होपफुली जो अगला वेब सीरीज़ आएगा उसमें मेरा रोल और भी बेटर होगा, और भी लंबा होगा, एंड शायद एक से ज़्यादा वेब सीरीज़ हो जाए. ज़ख्मी आई थिंक बहुत ही अच्छा हुआ है, उसका जो अभी निकल के आया है, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उससे कई ज़्यादा बढ़कर आया है, एंड आई थिंक इसका क्रेडिट टिया को जाना चाहिए, टिया वाजपेयी, क्योंकि जितने भी यू नो जो पूरा वेब सीरीज़ है उन पर आधारित है, वो एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं इसकी, तो अगर वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता तो ये शो देखने लायक बिल्कुल नहीं होता. बट क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आई थिंक पीपल मस्ट वॉच दिस सीरीज़, एंड जो भी ये सीरीज़ देखेगा उन्हें बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपने किरदार को लेकर, अपना अपने रोल्स को लेकर बहुत मेहनत की है और अच्छा काम किया है. ये जो सीन था ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो लव मेकिंग सीन्स या किसिंग सीन्स है वो मैंने पहले भी किए हैं, तो और टिया एज एन एक्टर उन्होंने भी किए हैं, बट ये इसलिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं और टिया कभी मिले ही नहीं थे, हम पहली बार मिले थे इस सीन के दौरान. तो मैं विक्रम सर के साथ बैठा हुआ था, और जो हीरोइन होती है तो उसे वक्त लगता है, तो वो रेडी हो रही थी, एंड वो आई, सर ने बोला कि रुस्लान ये टिया है, टिया दिस इज़ रुस्लान, तो नाउ गो एंड किस, शॉट रेडी है. और मैं बस मतलब देख रहा था टिया को कि यार मैं क्या बोलूँ अभी, कि पहली बार मैं मिला हूँ इससे, ना तो कुछ बात हुई है, ना कुछ पता है एक दूसरे के बारे में, सीधा हम लोग किस करेंगे, तो ये अजीब लग रहा था. और हम दोनों चल के जा रहे थे बेड की तरफ, तो कितना अजीब लगता होगा सोचो. और मैं कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था कि यार थोड़ी तो दोस्ती हो जाए इस सीन के स्टार्ट होने से पहले, तो हम लोग कुछ बात कर रहे कि या ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि देखो अभी हमारी बात भी नहीं हुई और किस करना पड़ रहा है और लव मेकिंग सीन है और ये सारी चीज़ें थी. बट वंस वी रीच देम, मेरी तो यही कोशिश थी कि टिया कंफर्टेबल रहे, उसे ऐसा ना लगे कि यार ये लड़का कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, या कुछ सर को ना लगे कि ये कुछ कम ही कर रहा है, तो फिर वो मेरा मजाक उड़ा देंगे कि यार लड़की तू है कि लड़की टिया है. तो मैं मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि मैं नॉर्मल किस करूं या कम किस करूं या ज़्यादा किस करूं, तो बहुत कंफ्यूजन था. राइट, सी ऑनेस्टली मैं अगर मैं खुद की फिल्म लिख रहा होता तो शायद किसिंग सीन ना होता उसमें, बट किसिंग तक अगर कोई सीन सीमित है तो मुझे लगता है कि दैट मच इज़ फाइन, किस तक ठीक है, बट उसके आगे अगर दिखाना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है. बट ऑनेस्टली जितने मैंने सीन्स किए हैं एज एन एक्टर, मैं आपको सच बताऊँ कोई फीलिंग नहीं होती, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप किसी लड़की को किस कर रहे हो, वो इतना अजीब होता है. वो एक्चुअली जब आप सीन करते हो वो इतना टेक्निकल होता है कि लाइटिंग पड़ रही है नहीं पड़ रही है, 10 लोग होते हैं, डायरेक्टर होता है, पर इतनी सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में, तो ऐसा नहीं है कि आप उस सीन को इंजॉय करते हो कि अगर मैंने टिया वाजपेयी को किस किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने वाह टिया वाजपेयी को किस किया. सच में मैं बताऊँ कि मुझे तो फीलिंग ही नहीं आई कुछ, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने टिया को किस किया है तो वो कैसा था मोमेंट, क्योंकि 10 चीज़ें और होती हैं आपके दिमाग में, आप रिलैक्स्ड बिल्कुल नहीं होते हो, एंड ये ना ऑनेस्टली एक्टिंग ही होता है. तो देखा जाए तो मुझे तो कुछ मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता कि जब लोग बोलते हैं कि किसिंग सीन तो यू एंजॉयड,
मैं क्या बताऊँ आपको कि कुछ नहीं होता ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप शो करते हो तो इमीडिएटली उसके बाद शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरा शो ख़त्म होता है और इमीडिएटली कोई चाहता है कि एक हफ्ते में एक और नया शो में मुझे साइन कर ले, तो फिर वो मुझसे नहीं होता क्योंकि मैं थक जाता हूँ। और 4 महीने या 1 साल किसी सेट पर रोज़ रहना, फिर हमेशा मन करता है कि यार थोड़ा वक्त मैं फैमिली के साथ बिताऊं, थोड़ा घूमूं, थोड़ा दुनिया भी देखूं, क्योंकि एट द एंड आप पैसे कमा रहे हो तो आप वो क्या करोगे उसके साथ, थोड़ा खर्चा भी तो करना पड़ता है। तो ये जो फ्री टाइम होता है, मैं ट्रैवल करता हूं, दुनिया घूमता हूं और एक रिलैक्स हो जाता हूं ताकि मैं नेक्स्ट काम के लिए फिर से तैयार रहूं। तो ये जो ब्रेक था ये काफ़ी लंबा हो गया है, बट मेरा ये मानना है कि ये जो वेब सीरीज़ का चक्कर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कम वक्त में ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम विक्रम जी का ये जो वेब सीरीज़ था ये 40 दिन में ख़त्म हो गया, एक और वेब सीरीज़ मुझे ऑफ़र हुई है उन्होंने 10 दिन मांगे। तो आई थिंक एज एन एक्टर दैट इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग कि आप कम काम करो और अच्छा काम करो एंड देन यू हैव मोर टाइम फॉर योरसेल्फ। तो या वेब इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस। आई थिंक यू नो जितने भी लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने ज़ख्मी देखा है उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। अभी रिसेंटली मैं किसी रेस्टोरेंट में गया था, एक आंटी आ गई और उन्होंने कहा कि बेटा तुम ज़ख्मी में हो, तुम ज़ख्मी के हीरो हो ना। तो मैं एक्चुअली शॉक्ड हो गया कि ये आंटी को कैसे पता है कि मैं ज़ख्मी में हूँ, क्योंकि नॉर्मली कोई मुझे ऐसा नहीं मिलता जो कहता है कि आपने वेब पे किया था मैंने देखा है, एटलीस्ट उनकी एज का। तो बहुत लोग देख रहे हैं एंड प्लीज़ आप जियो सिनेमा अगर आपके पास है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, या वीबी ऑन द वेब डाउनलोड करके 20 रुपये में आप पूरा सीरीज़ देख सकते हो। तो वॉच इट एंड होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मुझे मैसेज करके बताओ कि हमें अच्छा नहीं लगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने क्या सही किया है क्या गलत किया है ताकि मैं ये मिस्टेक को रिपीट ना करूं। तो आई एम वेरी इजीली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताना। थैंक यू सो मच।